अगर डंपिंग करें आप दूसरी कंट्री में जा करके बैंड प्रोडक्ट्स या फ्लॉड प्रोडक्ट्स, मिसाल के तौर पे आपके का कंट्री में उसके एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट बहुत स्ट्रिंजेंट है, लेकिन ये दूसरी कंट्री में कोई आपको नहीं पूछता, तो आप वहाँ जा करके वहाँ पे डंप कर दें, जैसे मेडिसिन डंप कर देते हैं जो कि अपडेटेड हो जाती हैं, या इस तरह के प्रोडक्ट्स डंप कर देते हैं जिनसे सीरियस डैमेज हो सकता है ह्यूमन हेल्थ को, कैंसर कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो डंप कर देते हैं। और एक डंपिंग कहलाती है कि जब आप बिलो प्रोडक्शन प्राइस दूसरे मार्केट में उसे सेल कर दें, ये डंपिंग कहलाती है। ये भी इलीगल है, उसकी वजह ये है कि जब आप बिलो कॉस्ट किसी चीज़ को कि दूसरे दूसरे मार्केट में सेल करेंगे तो लोकल कॉम्पिटिटर्स बहुत बुरी तरह से हर्ट होते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट कम्पीट विद दैट लोअर दोज लोअर प्राइसेस। तो शुरू में जैपनीज ने बहुत की डंपिंग, पहले समझ में नहीं आई इन लोगों को, फिर उसके बाद यूरोपियन यूनियन ने भी, अमेरिका ने भी डंपिंग पे पाबंदी लगा दी कि आप किसी भी प्रोडक्ट को बिलो कॉस्ट नहीं बेच सकते किसी दूसरे मार्केट में, अगर आप बेचेंगे तो उतना ही अमाउंट का जो है काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगा दी जाएगी, या आपके ऊपर कोई उससे एक्स्ट्रा भी कोई अमाउंट टैक्स पेनल्टी लगा सकते हैं। फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको प्रोवाइड करनी चाहिए, वोमेन को भी, मैन को भी, माइनॉरिटीज़ को भी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर डिस्क्रिमिनेशन एज की बेसिस पे हो रहा है, सेक्स की बेसिस पे हो रहा है, कल्चर की बेसिस पे हो रहा है, एथनिक ओरिजिन के बेसिस पे हो रहा है, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बेसिस पे हो रहा है, कलर रेस के बेसिस पे हो रहा है, किसी भी बेसिस पे जब आप कर रहे हैं, कोई भी कर रहा है अगर डिस्क्रिमिनेशन, तो दैट इज़ नॉट गुड। फिर ओवर प्राइसिंग इज़ बैड, आप जानबूझ कर ओवर प्राइसिंग इसलिए कर रहे हैं कि उस मार्केट में प्रोडक्ट शॉर्ट है, यू वॉन्ट टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट। सेक्सुअल हरासमेंट इज़ इलीगल ऑल ओवर द वर्ल्ड, ज़्यादातर कंट्रीज में इलीगल है, और ऑर्गेनाइजेशंस में ऑफ कोर्स इट इज़ इलीगल, अगर इसका केस प्रूफ हो जाता है तो बहुत सीरियस चार्ज लगता है, और इसकी बहुत सारी टाइप्स एंड फॉर्म्स हैं। और आजकल के लिहाज से आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप इसको पढ़ें और समझें कि भाई क्या होता है। बाद आप नॉर्मल जो मजाक कर रहे होते हैं वो इस एम्बिट में आ सकता है। और फिर सेक्सटिंग बहुत कॉमन है आजकल, वो आप करते हैं, बहुत मज़ा आता है दोनों को, लेकिन जब कोई भी उसको आपके खिलाफ यूज़ करना चाहे तो उसको डिफेंड करना कोर्ट में मुश्किल हो जाता है। फिर पर्सनल गेन के लिए अगर आप कंपनी फ्रेंड्स या कोई साहब यूज़ कर रहे हैं तो जाहिर है कि वो तो ख़राब है ही, उसको टनलिंग कहते हैं टेक्निकल जुबान में, एक टनल बना करके वहाँ से आप रिसोर्सेज ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशंस आप समझते हैं कि अगर मल्टीनेशनल में या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में, मस्जिद में या किसी मदरसे में या किसी चर्च में, कोई भी आप जगह ले लें, वहाँ पर रॉन्ग डूइंग नहीं है, तो ऐसा नहीं, जितनी रॉन्ग डूइंग है उतनी राइट डूइंग भी है, बल्कि हो सकता है बाद जगहों पर आपको रॉन्ग डूइंग ज़्यादा मिले। तो ये एज्यूम करना कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत अच्छी है, यहाँ पे कोई गलत काम नहीं करता है, तो ये परफेक्ट रेसिपी है एथिकल वायलेशन। तो सबसे पहले तो आपको अकाउंटेबिलिटी के लिए सबको अपने आप को पेश करना होगा कि जरा अगर कोई एथिकल वायलेशन होती है तो एवरी वन विल बी ट्रीटेड इक्वली एंड फेयरली। और आम तौर पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एथिकल वायलेशन और मिसकंडक्ट वो लोग करते हैं जो आम तौर पे बहुत अच्छे होते हैं, अच्छी एथिकल प्रैक्टिस रखते हैं और सोशली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इन लोगों से ज़्यादा खतरा होता है कि ये कोई एथिकल वायलेशन करे। और फिर इसी तरीके से एम्प्लॉयज़ इस तरह के अनएथिकल एक्टिविटीज़ में इंगेज हो जाते हैं, उसकी वजह ये है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा वर्टिकल है या बहुत ज़्यादा वाइड है, और फिर इररेलीवेंट प्रोसेसेस, मैकेनिज्म और फंक्शंस बहुत ज़्यादा है ऑर्गेनाइजेशन में, जिसकी वजह से अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस का मौका मिलता है। और हम में से हर कोई अनएथिकल साबित होगा प्रोवाइडेड राइट सर्कमस्टांसेस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इस चीज़ को आप ह्यूमंस पे नहीं छोड़ सकते, बल्कि आपको लॉज बनाने पड़ेंगे, और ताकि लोग समझें कि देयर आर लॉज एंड इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड। एथिक्स के लॉज बनाते हैं, उसको रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, फिर क्वार्टरली आप लोगों को रिवाइज कराते हैं, रीलर्न कराते हैं, उसको मॉडिफाई करते रहते हैं अपनी बुक को, तब लोगों को याद रहता है कि हमारी एथिकल वैल्यूज़ क्या है। वरना एथिक्स की वायलेशन करना इंसान के लिए बहुत आसान होता है, और वो वायलेशन छोटी वायलेशन से शुरू करके वो
बड़ी वायलेशन पे चला जाता है। अब मिसाल के तौर पर बाद लोगों के लिए ये भी अनएथिकल है कि ऑफिस से कोई 10 रुपये वाला पेन उठा करके घर ले जाए। बाद लोग इसकी केयर नहीं करते, वो जेब में रख लेते हैं, भूल जाते हैं, ब्रीफकेस में रखते हैं, भूल जाते हैं, ले जाते हैं, फोटोकॉपी ऑफिस से करा लेते हैं। इस तरह की सारी चीज़ें तो बेसिकली अनएथिकल हैं, और अनएथिकल प्रैक्टिसेस का स्टार्ट यहीं से होता है। जब आप देखते हैं कि कोई पेन उठा कर ले जाने पे नहीं पूछ रहा है, फोटोकॉपी उठा कर ले करने पे नहीं पूछ रहा है, पूरी पूरी बुक्स फोटोकॉपी हो रही है, आप फोटोकॉपी मशीन ही फिर आदमी उठा कर ले जाता है, फिर और दूसरी बड़ी चोरियाँ शुरू कर देता है। तो एक सिस्टम होना ज़रूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अनएथिकल प्रैक्टिसेस से बचाने के लिए। वो बताया है कि भाई क्या क्या काम करने चाहिए ताकि अनएथिकल प्रैक्टिसेस आपके ऑर्गेनाइजेशन में ना हो। सबसे पहली बात तो ये है कि आप रॉन्ग डूइंग को पनिश करें जब भी ये डिटेक्ट, और फौरन पनिश करें, लेट होंगे तो भी ठीक नहीं है। फिर उन एम्प्लॉयज़ को हायर करने से गुरेज करें जिनके एथिकल स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि इनसे ही ज़्यादा खतरा होता है कि ये गड़बड़ करेंगे। फिर डिज़ायर्ड कल्चरल वैल्यूज़ पैदा करना चाहते हैं अपने आप एम्प्लॉयज़ में, तो सोशलाइजेशन प्रोग्राम्स रखें, फैमिली डिनर्स रखें, पिकनिक्स रखें, लोग आपस में इंटरेक्ट करें, कोई गेम्स रखें, इस तरह की चीज़ें रखें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सोशलाइज करें। जब सोशलाइज करेंगे तो नए मेंबर्स भी वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, रियलाइज़ करेंगे, फिर इंटरनलाइज करेंगे, वैल्यूज़ उनके प्रैक्टिस का हिस्सा बन जाएगा। अच्छा, चेन ऑफ कमांड को आप इस तरह से ऑर्डरेट करें कि एक सबॉर्डिनेट दो को रिपोर्ट करना हो, क्योंकि एक सबॉर्डिनेट जब एक ही आदमी को रिपोर्ट कर रहा होता है तो एथिक्स के कोड वायलेट होने के चांसेस होते हैं। जब दो आदमियों को रिपोर्ट करेगा और कोई आदमी गलत, कोई सबॉर्डिनेट गलत कर रहा होगा, एक बॉस उसको अगर ओवरलुक करेगा तो दूसरा बॉस उसको देख सकता है। तो इसलिए मैट्रिक्स स्ट्रक्चर को आजकल ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, ख़ासतौर पर मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। फिर कल्चर होना चाहिए कि सबॉर्डिनेट्स चैलेंज कर सके अपने सुपीरियर्स को, जनाब आप ये काम गलत कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए, इस ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो रहा है, आप पर्सनल गेन कर रहे हैं। और ये कल्चर जब आम हो जाएगा तो हर कोई क्वेश्चन कर सकेगा, और अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस मेक श्योर करती हैं कि अगर किसी ने वॉइस रेज की है तो उसको सिस्टम से पनिश ना करें बल्कि रिवॉर्ड करें। फिर इंटरनल पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, सिस्टम्स, मैकेनिज्म जो भी हैं वो आप बार बार रिविजिट करें और लोगों को समझाएं भी, क्योंकि जब लोगों को ये पॉलिसीज प्रोसीजर्स नहीं समझ में आती हैं या उनके अंदर कोई एम्बिग्युटी होती है तो अपने तौर पे करते हैं और फिर एथिकल वायलेशन करते हैं, इसलिए आपको उनको समझाना पड़ेगा। जैसे गिफ्ट की पॉलिसीज होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, अगर आपको कोई 200 रुपये 300 रुपये की गिफ्ट दे रहा है, कोई वेंडर कोई सोवेनियर दे रहा है तो इट्स ओके, लेकिन अगर आपको 5,000 रुपये का कोई मैच का टिकट दे रहा है तो ये तो ज़्यादा प्राइस की चीज़ है, ये वो क्यों दे रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशंस ने पॉलिसीज बनाई हुई है कि आप जो भी गिफ्ट रिसीव करें उसको आप डिक्लेयर करें। गवर्नमेंट्स में तो बाकायदा होता है कि आप फॉरेन विजिट्स में जाते हैं, आपको ऑफिशियल गिफ्ट्स मिलते हैं, देन यू हैव टू सबमिट दैट इन द गवर्नमेंट किटिंग, उसको आपको जमा करना चाहिए, करते हैं लोग।